Hello students, so I'm just going to discuss concentration terms today. So first of all, I'll discuss कि एक concentration term होता क्या है और एक dilute और एक concentration में different क्या होता है. तो बेटे जब भी हम ये concentration वगैरह की बात करेंगे किसी solution में करेंगे, पहली बात तो ये है, ठीक है. Solution क्या होता है? Solute प्लस सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूट क्या है? जो मिलाया गया है जिसकी परसेंटेज कम है. सॉल्वेंट क्या है? जिसकी परसेंटेज ज्यादा है या जिसमें मिलाया गया है. मान लो आपने शुगर का कोई सॉल्यूशन लिया और आपने शुगर का कोई सॉल्यूट लिया, ये सॉल्यूट कहलाएगा, ये शुगर है, ठीक है, और इसको आपने मिलाया वाटर के अंदर, H2O. तो वाटर आपका सॉल्वेंट है और शुगर आपका सॉल्यूट है और ये पूरा पूरा मिक्सचर जो बन के आता है, जो आप शरबत या कुछ भी बनाते हो घर में, उसको बोलते हैं एक सॉल्यूशन, राइट. तो वो एक सॉल्यूशन कहलाता है. अब आपको दो तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है. सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या है, तो आपको बता दिया कि जिसको घोला गया है, जो अलग से मिलाया गया है, वो सॉल्यूट है. सॉल्वेंट क्या है? जिसमें मिलाया गया है. अच्छा, ध्यान रखने की बात ये है कि ये मत समझ बैठना कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड स्टेट में ही होगा, क्योंकि जैसे शुगर है या चीनी है आपकी, तो वो सॉलिड होती है, ठीक है. अब कोई बोल दे कि सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो लिक्विड में हमने मिलाया है इसको, जितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट हमने सॉलिड का मिलाया है लिक्विड के अंदर, वही उसका कंसेंट्रेशन कहलाएगा. भैया यहां पर तो आपने शुगर मिलाया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शुगर हो. मान लो आपने HCl मिलाया होता, हाइड्रोजन क्लोराइड, इस एक्वस कंडीशन ने मिल करके H2O में इसने सॉल्यूशन दिया होता, कुछ भी है जो भी दिया होता, HCl प्लस H2O का मिक्सचर अगर होता, मतलब आपने वाटर प्लस एसिड लिया होगा, ऐसी कंडीशन में भी, जैसे मान लो कि यहाँ पर 70 ml ऑफ वाटर है और 30 ml ऑफ एसिड है और टोटल मिलाकर के 100% सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसका 30% कंसंट्रेशन ऑफ HCl इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है भैया. तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आइदर यू आर डिजॉल्विंग ए लिक्विड or you are dissolving a solid, either anything you are dissolving that can be act as a solute. Solute is solid hi nahi hota. To zindagi mein hamesha is baat ko yaad rakhna. Acha, ek baat aur yaad rakhna. Solution ka matlab keval liquid solution nahi hota. Solution ka matlab एक सॉलिड सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं. अब मान लो आपके पास, आपके हाथ में कोई सोने की चीज है, मान लो सोना होता है, राइट, AU है, प्योर AU जो होता है वो हल्का होता है, या फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि वो आराम से टूट सकता है. उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें यूज में लाई जाती है, राइट. अब एक मिनट, अब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉलिड सॉलिड का भी होता है. मान लो आपका सोना था, आपने उसमें थोड़ा सा सिल्वर मिला दिया, एयू में थोड़ा सा एजी मिला दिया. अगर आपके पास 90 ग्राम सोना है, उसमें 10 ग्राम ऑफ क्या मिला दिया, 10 ग्राम ऑफ एजी मिला दिया, या कोई सा भी मान लो येलो कलर का कोई मेटल है, मेटल बॉडी है जिसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती है, उसको मिला दिया, 100 ग्राम का बन गया है. अब इसमें 90% ऑफ एयू है, जो भी एक्स्ट्रा मिला है मान लो 10% ऑफ एजी है. तो भैया दोनों चीजें इसमें कुछ डिफरेंट कंपोजिशन में प्रेजेंट है, डिफरेंट परसेंटेज में प्रेजेंट है, और इसमें अलग अलग परसेंटेज भी है, और ये एक सॉल्यूशन भी कहलाता है. और सॉल्यूशन एक कौन सा है? सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन. तो ऐसा मत समझ बैठना कि केवल लिक्विड की जरूरत पड़ती है एक सॉल्यूशन के बनाने के लिए, तो इतना दिमाग में रखना है. तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको धीरे से ये चीज लिख भी सकते हो सॉल्यूशन के बारे में,
कि ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस कैन बी ए सॉल्यूशन, या ऐसे भी बोल सकते हो कि सॉल्यूशन इज ए, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस, राइट, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम एक सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। अब सॉल्यूशन के अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, उसको भी आप जान सकते हो। सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, ए सॉल्यूशन इज ए क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, इसको क्लियर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा बात, ए सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डस नॉट सेटल डाउन इवन आफ्टर द सॉल्यूशन इज केप्ट अंडर फॉर केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, अगर सॉल्यूशन को डिस्टरबेंस में नहीं रखा गया है फिर भी सॉल्यूट को सॉल्यूशन के नीचे या सॉल्वेंट के नीचे बैठ नहीं जाना है, मतलब कि जैसे आपने सॉल्यूशन में मिलाया ये कोई सॉल्वेंट था और यहां पर आपने क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाया, तो ये सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होकर के इसने बनाया कोई सॉल्यूशन, राइट। तो भैया ऐसा नहीं कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के नीचे जाके ऐसे सस्पेंड हो जाए, ऐसी कंडीशन को सस्पेंशन बोलते हैं और ये डिफरेंट कंडीशन, यहां पर जो सॉल्यूट का वेट है ज्यादा होता है और नीचे जाके बैठ जाता है, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, तो ये भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि सॉल्यूट जाके नीचे बैठ जाए। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन द पार्टिकल या द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सॉल्वेंट पार्टिकल और मॉलिक्यूल इवन अंडर माइक्रोस्कोप, सो इन अ ट्रू सॉल्यूशन द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट डिसअपीयर्ड इनटू द स्पेस बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। बेटा देखो, जो आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है इसने जो बनाया है सॉल्यूशन उसमें हुआ क्या है, पहली बात तो ये ध्यान दो, जो आपका सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन के अंदर आपका जो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के पास जो स्पेसेस खाली होते हैं या जो इसके पास इसके इसके मैटर के अंदर, मान लो लिक्विड सॉल्यूशन है वाटर, तो वाटर के अंदर जो स्पेस खाली होते हैं उसमें जाकर के शुगर बैठ जाता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट के स्पेस के अंदर आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए या सॉल्यूट आना चाहिए, उसके लिए कुछ अलग कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपरली मिक्स्ड होना चाहिए, उसमें से डिसअपियर नहीं रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि डिसअपियर का मतलब ये हुआ कि उससे सेपरेट नहीं रहना चाहिए, अगर वो प्रॉपरली एक दूसरे में मिक्स्ड है मतलब कि वो अंदर ही डिसअपियर रहेगा, अगर वो उससे बाहर गया या फिर उसके जो स्पेसेस हैं या जो वाटर सॉल्वेंट है कोई भी सॉल्वेंट है अगर सॉल्वेंट की स्पेस से बाहर आया तो ऐसी कंडीशन में वो माइक्रोस्कोपी वगैरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, मतलब उसको अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सके, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता हो, इवन इफ अगर हमने माइक्रोस्कोपी भी यूज की हो तब भी, तो मतलब वो एक ट्रू सॉल्यूशन बनना चाहिए, पार्टिकल को वेल ऑर्डर तरीके से सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होना चाहिए या सॉल्वेंट के अंदर डिसअपीयर होना चाहिए। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक आई होगी किसी को, तो बस आपका जो सॉल्यूट होना चाहिए वो सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपरली
डिसअपीयर हो वो एक भी प्रकार से कैसे भी उसको माइक्रोस्कोपी से भी हम डिस्टिंग्विश ना कर पाए कि भैया ये सॉल्यूट अलग है और सॉल्वेंट अलग है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो प्रॉपरली वो मिक्स होना चाहिए। अगला पॉइंट है द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन की टेक्निक से भी इनको हम सेपरेट ना कर पाए, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से सेपरेट ना हो इवन आफ्टर कि हमने फिल्ट्रेशन मेथड का भी यूज किया। हमने फिल्ट्रेशन मेथड बार-बार पढ़ा है, 7th में, 6th में, 8th में, 9th में भी आता है फिल्ट्रेशन, तो हर क्लास में हमने बार-बार इसके बारे में जानकारी एकत्रित करी है। आगे बात करते हैं, तो कुछ कंसिडरेशन को एक्सपेक्ट करने के, कंसिडरेशन को डिनोट करने के कुछ डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप शो करके कंसेंट्रेशन को शो कर सकते हो, इस पार्टिकुलर लिक्विड के अंदर क्या कंसेंट्रेशन आएगा। तो कुछ कंसेंट्रेशन के टर्म्स हैं उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से टर्म है, बात करते हैं। पहला है मोलालिटी, राइट, इसको हम यम से, कैपिटल यम से डिनोट करते हैं। दूसरा है मोलालिटी, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, इसको यक्स से डिनोट करते हैं। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेशन या पीपीएम में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन को, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेशन या फिर पीपीएम, राइट। तो ये कुछ चार पांच टाइप के चीजें हैं जिनके डिफिनीशन है या जिनकी जिनको डिफाइन करके हम कंसेंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो एक ये जो टर्म्स लिखे गए हैं ये टर्म एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इनको अगर मैं रिलेट करूं तो एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर मुझे कोई एक मिल जाए तो बाकी चीजों को हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं एक एक करके हर किसी के बारे में। तो सबसे पहला टर्म है मोलरिटी। बेटा बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इनके क्वेश्चंस में, कुछ होता नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर और आराम से कोई भी इसको समझ सकता है, और बहुत बड़े डिफिनेशन भी हो, बड़े लेवल पे क्वेश्चन भी आते हैं इनके मोलरिटी वगैरह। आगे 12th में भी बड़े चैप्टर्स बड़े क्लासेस में भी इसकी मोलरिटी के टर्म को डिफाइन करने के लिए कुछ सोल्यूशन वगैरह में भी इनका बहुत ज्यादा यूज है, तो वहां पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन dissolved in 1 liter of the solution is known as molarity of the solution कुछ नहीं है इसमें। मोलरिटी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना पड़ता है उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में या उसके 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। तो आपको मोलरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर. Number of moles divided by volume of solution in liter. मोल्स क्या होते हैं? मोल्स आपको बार बार बताया है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है. तो अगर मैं मानूं कि सोल्यूशन जो है उसमें W ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, W ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है, सोल्यूशन के अंदर, राइट, let W gram of solute is present in the solution. Let W gram of solute is present in the solution. तो क्या होगा? अगर W gram of solute present है solution के अंदर, और अगर molecular weight जो है solute का वो भी given है, या आपको देख के पता चल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, अगर वो यंग है मान लो, ठीक है, और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेटर को जनरली कैपिटल वी में डिनोट करते हैं, तो वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में नहीं बल्कि एमएल में गिवन है, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. या तो आप चाहो तो हमेशा इस पूरे फॉर्मूला के अंदर आप यहां पर एमएल में कंसीडर कर लो और यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो. तो आपको ये भी कर सकते हो, और या तो चाहो तो जब भी जरूरत पड़े आप वहां पर निकाल सकते हो. तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर गिवन, राइट. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको फॉर्मूला फाइंड करना है, तो आप आराम से फॉर्मूला निकाल दे दो कि नंबर ऑफ मोल आपको पता चल गए हैं, नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेट आपने कंसिडर किया है W ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट या मैं सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आप निकाल रहे हो, आपको इतना पता होना चाहिए. तो ये W बाई M होता है, राइट. अब आपसे मैं पूछूंगी, वॉल्यूम आपको वी गिवन है ऑलरेडी, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर अब आपसे पूछूंगी कि आप मोलरिटी निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे यस निकाल सकते हैं. आपको निकालने के लिए केवल मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ द सॉल्यूट कितना है बेटा, W बाई M है, और डिवाइड बाई वॉल्यूम V है, इनटू आप चाहो तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, और आप वहां पे इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में, और ये ml में हो जाएगा, और या चाहो तो आप इसको W बाई M अपान V लीटर लिख सकते हो. तो ये भी एक कंसेंट्रेशन का टर्म है, और इसको मोलरिटी बोलते हैं. ओके, सो मोलरिटी इज इक्वल टू वेट, अगर आप चाहो तो इसको वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में लेंगे. आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट. तो कोई अभी तक यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, ये है मोलरिटी का. अगर मैं कोई भी क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा तो आराम से हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ और भी चीजों को, ताकि आपको और भी आगे पता रहे बातें मोलरिटी के बारे में. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपसे एटलीस्ट सॉल्व हो जाए. ओके, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस.
ठीक है। अच्छा, कभी भी जब अगर आपको मिलीमोल्स निकालने, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, आपको मैं बता दूं कि यहां पर अगर आपसे आप में केवल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होता तो आपका ये मोल अकेले बचता, अगर यहां पर कोई आकर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, मे बी आप एक बार ध्यान से देखो, यहां पे आके फॉर्मूले में अगर कोई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम से, तो आपका वी से भी कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो आपका फिर ये मोल बच जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम एमएल से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको भी आपको एमएल में चेंज करना पड़ेगा, एमएल में चेंज करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1000 मल्टीप्लाई करते वक्त आपका ये मिली में पहुंच जाएगा। आपको एक बार बोलता हूं, अगर आपको नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मिली मोल्स, तो कैसा निकलता है आपको बता दूं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल। आपको मैं दिखाऊं कैसे होता है ये, तो डब्ल्यू बाई एम, ये तो आपका मोल हो गया, इनटू ये आपका वॉल्यूम हो गया लीटर में, तो आपको एमएल में चेंज करना है, जिसको एमएल कर दो और लीटर को एमएल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, राइट, और इनटू वी ऑफ एमएल कर दो, ठीक है, v of ml से v of ml कैंसिल हो जाएगा और ये आपका मोल डिवाइड बाई 1000 बच जाएगा, ठीक है, तो इसको आप मिली मोल भी बोल सकते हो। तो मिली मोल इक्वल टू मिली मोल आ गए हैं। अच्छा, अगर आपको मैं वैसे बोलूं कि नंबर ऑफ मिली मोल को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो नंबर ऑफ मिलीमोल को कैलकुलेट करने के लिए आपको मोलरिटी इनटू वी ऑफ एमएल करना, यानी एम वी निकालना हमेशा, इस बात का ध्यान रखना, ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक है। तो अगर आप यहां से मोलरिटी निकालना चाहो तो अगर आपको मिलीमोल्स दिए गए हैं तो आप दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो यहां से कि मोलरिटी आप निकालना चाहो तो आप उल्टा कर दो कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, तो ये भी आ जाएगा। अब आप अगर यहां पर मोलरिटी के बाद अगर आपने मोलरिटी कैलकुलेट कर लिया है तो आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं, ये तो मोलरिटी हो गई, चलिए भी कैलकुलेटेड है मोलरिटी। अगर आपको मोलरिटी मिल गई है तो आप और भी चीजें इसमें देख सकते हैं, कि मोलरिटी के अंदर जो मोलरिटी होती है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी, मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्यों होती है आपको मैं बता दूं। अच्छा, आपने ये चीज देखी होगी, ये सॉलिड से लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लिक्विड से गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अगर आप पुरानी चीजें थोड़ा सा सोचो, एक मैटर स्टेट में या फिर जब भी आपने पढ़ी हो तो पुरानी चीजें सोचो कि अगर सॉलिड था हमारे पास तो हमने अगर उसको मेल्ट किया तो हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया, अगर टेम्परेचर दिया तो हमने इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया है, अगर इंक्रीज करूंगा तो मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम नीचे आता है ऑफ द सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम नीचे आएगा इसका मतलब है कि मोलरिटी को इनवर्स करेगा, अरे भैया जब वॉल्यूम डिनोमिनेटर के अंदर है इसका मतलब है कि वो मोलरिटी को डिक्रीज करेगा,
क्योंकि जैसे ही जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे मोलैरिटी डिक्रीज करती जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि 1/ वॉल्यूम भी ये हो सकता है, क्योंकि आप जब भी टेम्परेचर को बढ़ा रहे होगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसके पार्टिकल इधर उधर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत हुई होगी। अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन गिवन है, राइट, मान लो हमारे पास कोई सोल्यूशन है, कोई मोलर, कोई वॉल्यूम है, मान लो हमारे पास V1 वॉल्यूम है या V वॉल्यूम है, और हमारे पास मोलरिटी अभी गिवन है यम, राइट। कुछ देर बाद हम क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि कंसेंट्रेशन को हम कम करने लग जाते हैं, यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाने लग जाते हैं। तो डाइल्यूट करके, जब डाइल्यूट करेंगे तो मान लो पानी हम डालेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि आपके मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम नीचे है, तो आपने ऑब्वियसली उसको अगर वॉल्यूम को बढ़ाया है, यानी कि पानी को अगर एक्स्ट्रा डाला है, तो ऑब्वियसली मोलरिटी नीचे आएगी, क्योंकि सोल्यूशन जो होगा वो अपोजिटली वर्क करेगा। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत यहां तक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सोल्यूशन क्या होना चाहिए, अपोजिटली वर्क करना चाहिए, सोल्यूशन का वॉल्यूम अपोजिटली वर्क करना चाहिए। अगर यम का हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर वॉल्यूम के साथ करेंगे, तो अगर मास, अगर मान लो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलरिटी डिक्रीज करनी चाहिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V है, ठीक है। मतलब अगर मैं यम वी को कैलकुलेट करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 है, यानी कि कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यम वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं M1V1 is equal to M2V2 is equal to M3V3, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हमने अपोजिटली कर दिया है, ये मल्टीप्लाई इधर कर दिया हमने। अच्छा, ध्यान से एक बात और समझने की बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। मान लो हमने वॉल्यूम को बढ़ाया होगा यहां से, मतलब हमने, हमारे पास M1 था मोलरिटी, हमारे पास वॉल्यूम V1 था, थोड़ी देर बाद हमने डाइल्यूट कर दिया इसको, क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, मतलब वॉल्यूम यानी V2 हमने इंक्रीज कर दिया है। अगर V2 इंक्रीज कर दिया है और M1 और B1 दोनों साथ साथ होने हैं, और M2 और V2 दोनों साथ साथ, क्योंकि मोलरिटी इनटू, देखो भैया, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मोल्स आएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोल्स ऑफ द सोल्यूट को तो कॉन्स्टेंट रहना है, इसीलिए हम जब भी मोलरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो हमने डाइल्यूट करा है, मतलब हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें वाटर डाला है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी हमने लिक्विड डाला है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूट तो सेम है ना, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट तो सेम है ना, इसीलिए M1V1 की वैल्यू M2V2 के बराबर है, M2V2 की वैल्यू M3V3 के बराबर है, क्योंकि मोल्स ऑफ द सॉल्यूट तो चेंज नहीं हो रहे ना। और आप जब भी आप मोलरिटी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, आप करके देख लो, यहां पर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम और इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट। तो आपको मोल ऑफ द सॉल्यूट तो कांस्टेंट है, इसीलिए इस वैल्यू को हमेशा कांस्टेंट रखना है, और ये मोल V1 को यानी कि MV को हमेशा कांस्टेंट हमने इसलिए यहां पर माना है, इसीलिए M1V1 की वैल्यू M2V2 के बराबर है, M2V2 की वैल्यू M3V3 के बराबर है, M4V4 की वैल्यू M5V5 के बराबर होगी, ऐसे एज इट इज ये चलती रहेगी। और यहां पर आप देखो, अगर आपने M1V1 था, इसका M1 मोलरिटी था, B1 वॉल्यूम था, अगर आपने डाइल्यूट किया और वॉल्यूम को बढ़ा दिया, जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे ऑब्वियसली इसका मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ये डिक्रीज करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि आपने यहां पर M2V2 रखा है ऑब्वियसली। अब इसको वैल्यू को अगर कांस्टेंट, आप ध्यान से देखो, तो अगर MV की वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली मास, ये इस मोलरिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये इस वैल्यू को मेंटेन कर पाएगा। और कितना डिक्रीज करेगा आपको ध्यान से देखने में पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा। अगर आपको M1 दिया है, V1 दिया है, आप M2V2 इक्वेट कर दो, M2V2 इक्वेट करोगे तो M2 की वैल्यू आएगी M1V1 डिवाइड बाई M2 डिवाइड बाई V2। तो आपको बस इस फॉर्मूले को लगाना है, और आपको कभी भी
डाइल्यूट करके कोई चीज अगर आगे बढ़ रही है तो बस आपको डाइल्यूशन को ध्यान में रखना है, दिमाग खराब नहीं करना है। अगर डाइल्यूट कोई चीज हो रही है तो ऑब्वियसली उसका मोलरिटी भी डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि डाइल्यूशन में आप वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हो और मोलरिटी इज अ कंसंट्रेशन टर्म। अगर आपने मोलरिटी को डिक्रीज किया है तो ऑब्वियसली वो फिर एक कंसंट्रेशन को भी डिक्रीज करेगा। वही तो बता रहा हूं कि डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम होता सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं, जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम हमने इंक्रीज कर दिया है, तो उसके ओवरऑल डाइल्यूशन में या ओवरऑल वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन का, वो इंक्रीज कर जा रहा है। तो यहाँ पर हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो अगर M1V1 दिया है, M2V2 दिया, आराम से आप इसको फाइंड कर सकते हो कि क्या आएगा। तो मेरे पास M1V1 और M2V2 गिवन था, मैं चाहूं तो एक फॉर्मूला फिर से बना के लिख सकता हूं। ऑलरेडी हमने फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अब ध्यान से इसको सही से लिख लेना कि अगर मोलरिटी M1 है थोड़ी और वॉल्यूम V1 है, थोड़ी देर बाद वॉल्यूम V2 हो जाता है तो मोलरिटी M2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, अगर मान लो हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, यानी कि डाइल्यूशन को अगर मैंने कम कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में मोलरिटी बढ़ जाया करेगी। आप ध्यान से देखो, अब M2 = M1V1/V2 रखोगे, आप जिस वक्त V2 को कम करोगे ना, ये ओवरऑल चूंकि डिनोमिनेटर कम हो रहा है इसलिए M2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये एक दूसरे के रिजल्टेंट भी होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसको आगे लिखते चलो, ठीक है। आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मान लो दो, अगर मान लो दो अलग अलग वॉल्यूम और के अगर सेम सॉल्यूट मिलाया जा रहा है, ठीक है, इफ अ सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1 एंड मोलरिटी M1 इज मिक्स्ड विद अनदर सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट हैविंग वॉल्यूम V2 एंड मोलरिटी M2, चलो इफ अ सॉल्यूशन हैविंग volume V1 and molarity M1 and another solution of same solute अलग अलग क्लास में दो सोल्यूशन बनाए गए सेम सोल्यूट के, तो उसकी मोलरिटी में डिफरेंस हो सकता है, वॉल्यूम में डिफरेंस हो सकता है। तो इफ अ सोल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1 एंड मोलरिटी M1 एंड अनदर सोल्यूशन ऑफ सेम सोल्यूट ऑफ हैविंग मोलरिटी M2 एंड volume of V2 तो आपको अगर रिजल्ट दोनों को मिक्स किया जाता है और आपको रिजल्टेंट मोलरिटी बनानी है, रिजल्टेंट मोलरिटी उसकी वैल्यू हो जाएगी M1V1 + M2V2 is equal to molarity resultant or total volume V1 + V2 is resultant. तो आपको अगर molarity resultant निकालनी है तो ये M1V1 + M2V2 / V1 + V2 हो जाएगा। आपको बस ध्यान सही से बताऊं, अगर कोई चीज अगर concentration के term में दी होती तो ऐसे ही इसको हम कैलकुलेट करते हैं मोलरिटी। अगर इसका रिजल्टेंट मोलरिटी निकाल रहे हैं तो अगर इसके पास M1 है मोलरिटी 1 और M2 है मोलरिटी 2, वॉल्यूम V1 है वॉल्यूम V2 है, तो आपको M1V1 + M2V2 / V1 + V2 को ऐड करना है। आई डोंट थिंक यहां कोई प्रॉब्लम अभी तक आनी चाहिए किसी को भी। रिजल्ट ओके, तो ये हमारा मोलरिटी को टोटली डिफाइन करने का तरीका है। चलो, तो ये तो हो गया आपका क्या मतलब आपने टोटली मोलरिटी का कैलकुलेशन यहां पर देख लिया है, कैसे मोलरिटी को मिक्स करते हैं, कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं।
बिना क्वेश्चन के कोई एग्जांपल नहीं, बिना एग्जांपल के कोई क्वेश्चन नहीं, तो आपको क्या मतलब अगर आपने लिखो क्वेश्चन लिखो ए सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 200 ml and molarity 50 is it molarity 50 if volume of the solution exceeds to 800 ml, then find the molarity of new solution. Exceeds to 800 ml by dilution. By dilution, then find the molarity of the new solution. आप अगर ध्यान से देखो तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको M1 गिवन है 50 है, V1 गिवन है 200 ml है, M2 गिवन है, M2 कितना है निकालना है, और V2 गिवन है 800 ml. M1 गिवन प्लस M2 V2 लगाना है, मतलब 50 × 200 is equal to 800 into M2. आप दो जीरो से जीरो कट जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 50 और ये 8, तो ये डिवाइड बाई 8 आएगा, तो ये 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. अब इसकी मोड़ कैलकुलेट का, यहां तक में प्रॉब्लम होनी चाहिए. क्वेश्चन 2, इफ सब्सटेंस हैविंग मोलरिटी हैविंग सब्सटेंस या एक सॉल्यूशन हैविंग, आप एक बार ध्यान से वेट करना इसको, ए सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी 20 एंड वॉल्यूम 300 इज मिक्स्ड विद the solution of the solution of molarity 10 and volume 400 find the आगे एकदम है solute of both the solution are same, to find the value of resultant molarity. डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए,
बस आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपके पास m1 गिवन है, अब m1 की वैल्यू गिवन है, v1 की वैल्यू गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है, v2 की वैल्यू गिवन है, आपको रिजल्ट एंड मोलरिटी निकालनी है, तो mr इज इक्वल टू आप डायरेक्ट कर सकते हो m1 v1 plus m2 v2 divide by v1 plus v2। आप करोगे तो m1 v1 मतलब आपका आ जाएगा 300 into 20, ये हो जाएगा 6000 plus 14 into 10 करोगे आ जाएगा 4000 divide by 300 plus 400 क्या है given plus v2 हो जाएगा 10000 divide by 700, यहां से कट जाएगा और ये आ जाएगा ओवर आर 100 divided by 7 हो जाएगा और ये 137428 तो ये 14 point something इसकी वैल्यू आ जाएगी मोलर। और मोलरिटी को हमेशा मोल पर लीटर में जनरली लिखते हैं, क्योंकि ऊपर मोल है नीचे लीटर है, मोल एक यूनिट है, लीटर एक यूनिट है, तो मोल पर लीटर में जनरली फॉर्म रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। I don't think ये मोलरिटी में कोई प्रॉब्लम अभी तक आई है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपके पास वेट गिवन है, वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन है 58.5, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वॉटर सॉल्यूशन गिवन है, और ये है ओवरऑल 500, ठीक है, और आपकी मोलरिटी आ रही है 0.5, आपको बताना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मोलरिटी को, बस वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय, आपको बस लिखना है सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और इनटू 1000, और ये आपको 500 ml गिवन, आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, मोलरिटी की वैल्यू आपकी 0.2 मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर होनी चाहिए, यहां पर दिया हुआ होगा मोल पर लीटर, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो ये 0.5 मोल पर लीटर इज इक्वल टू ये आपको वेट कितना है 58.5 डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट, तो ये है मॉलिक्यूलर वेट और इनटू ये मॉलिक्यूलर वेट है इनटू 1000 और वॉल्यूम की वैल्यू 500 है, इसको आप 2 कर दो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 58.5 इनटू 2 डिवाइड बाय 0.5 हो जाएगा, ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 58.5 इनटू 4, इतना आना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो आई डोंट थिंक यहां पे कोई प्रॉब्लम होगी, तो बस मॉलिक्यूलर वेट हम सीधे निकाल सकते हैं इस एक मोलरिटी के टर्म को फाइंड करके, अगर मेरे को एक मोलरिटी का टर्म फाइंड हो बस मैं उसकी वजह से पूरी पूरी वैल्यू को मैं फाइंड कर सकता हूँ, तो ये आपकी रही पूरी मोलरिटी, ये भी है कंसंट्रेशन का एक टर्म, कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए मैंने 4-5 टर्म बताए हैं आपको, उन 4-5 टर्म में कुछ भी यूज किया सकता है,
तो मैंने मोलैलिटी तो डिस्कस कर दी है, बाद में मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज कैलकुलेशन आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और कुछ भी नहीं है मोलैलिटी के बाद, आज तो सॉल्यूशन बनाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो मैं मोलैलिटी को भी डिस्कस करता। मोलैलिटी में कुछ नहीं है, बस केवल वॉल्यूम की जगह आपको केवल आपको मास रखना है, मोल फ्रैक्शन में केवल आपको फ्रैक्शन रखने हैं और कुछ भी नहीं है। सो आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड मोलैलिटी फिर आगे मैं एक बार बता दूंगा सारी चीजें इसमें। I don't think इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए राइट नाउ। ओके यू कैन लीव।